अस्सलाम वालेकुम अर्ज, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टॉपिक है क्रिएट सरफेस फ्रॉम टिप फाइल इन सिविल 3D और क्रिएट सरफेस फ्रॉम GIS डाटा इन सिविल 3D। तो इसमें हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो टिप फॉर्मेट में है और हम इसे को सरफेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यहां पे मैंने सिविल 3D की एक एम्प्टी ड्राइंग जो है वो न्यू ड्राइंग मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो पैलेट्स लिखा है, यहाँ पे ये जो मैप टास्क पैन का ऑप्शन है, आपने इसको ऑन करना है। जैसे ही आप कर्सर लेके आएंगे ड्राइंग में, यहाँ ऑन और ऑफ के दो ऑप्शन है, आपने ऑन पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे साइड में यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये जो डाटा का ऑप्शन बना है इस पे आपने क्लिक करना है और कनेक्ट टू डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एड रास्टर इमेज और सरफेस कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो इमेज का ऑप्शन बना है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने फाइल के जो भी जहाँ फोल्डर में पड़ी हुई है टिप फाइल, आपने उसको यहाँ पे सर्च करना है, ब्राउज करना है और इसको आपने जस्ट यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ आप ये जो कनेक्ट टैब है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो UTM जोन है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपके सामने ओपन हो गया आ जाएगा। आपने इसको जहाँ से सिलेक्ट करना है ओके करना है और यहाँ पे ये जो लिखा है एड टू मैप, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये डाटा आपका ड्रा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये फाइल आ गई है। अभी यहाँ पे आपने ये जो फाइल नेम है इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट कंटूर लेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक विंडो आएगी। आपने इस विंडो पे यहाँ पे अपने कंटूर का इंटरवल जो है वो आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे ये कंटूर एलिवेशन इंटरवल है, मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, मेजर कंटूर ओके, तो मैं इसको भी 5 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ ओके। यहाँ पे ये जो है यूनिट है, आप मीटर रखना चाहें तो मीटर रखें, फीट रखना चाहें तो आप फीट रख सकते हैं। और इसको आपने यहाँ पे ये जो इसका पाथ है यहाँ पे आपने इसको सेव करना है। तो मेरे पास ये फोल्डर है डॉक्यूमेंट में टिफ के नाम से, मैं इसको जस्ट ऐसे ही 001 का नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फाइल हमारी यहाँ पे सेव होगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे इसके कंटूर यहाँ पे आ गए हैं, ये फाइल मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, मैं नो करता हूँ इसको। STF फाइल हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक और न्यू ड्राइंग लेता हूँ और यहाँ पे जो है जैसे ये न्यू ड्राइंग ओपन हुई है यहाँ पे मैं मैप इम्पोर्ट की कमांड देता हूँ। यहाँ मैप इंपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो है टिफ के नाम से है ये ओके, ये टिफ में ये फाइल है हमारी, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे ये एक विंडो आई है, यहाँ पे ये जो डाटा का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है ओके। और यहाँ पे जो लिखा है क्रिएट ऑब्जेक्ट डाटा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंटूर जो यहाँ पे ये ऑप्शन है कंटूर, यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड है, ये 3 फील्ड है इसमें, इसको आपने सिलेक्ट करना है ओके करना है। और यहाँ पे ये जो इंपोर्ट पॉलीगॉन एज ये जो लिखा है इसको आपने यहाँ पे ये वाला जो है इसको आपने चेक कर देना है यहाँ पे और जस्ट ओके कर देना है। यहाँ पे ये हो गया है। अभी आपने इसको क्या करना है, मैप एक्सपोर्ट ओके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो है ओके, ये इसकी जो फाइल फॉर्मेट है वो ESRI शेप फाइल होगी। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ टिफ, ये मैंने इसको ऐसे ही एक नाम दे दिया, मैं जस्ट इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आई है यहाँ पे आपने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने डाटा पे जाना है और सिलेक्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपने ये जो कंटूर लिखा है इसको आपने सिलेक्ट करके ओके कर देना है और जस्ट इसको आपने ओके करना है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है सिलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दें, मैंने इसको नो पे करके क्लोज कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल हमारी ओपन हो गई है। अभी हमने अपनी जो है इसमें सरफस क्रिएट करनी है, तो क्रिएट सरफस, यहाँ पे ये जो लिखा है क्रिएट सरफस फ्रॉम जीआईएस डाटा, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे सरफस है, ओके। और यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको टिफ का नाम दे देता हूँ, ओके टिफ जीआईएस, ओके। यहाँ पे आप कंटूर इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से आपने एसएचपी जो शेप फाइल है हमारी, ओके, और यहाँ पे ये अभी हमने जो बनाई है ये हमारी फाइल है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और यहाँ पे ये जो लॉगिन का बटन बना है इस पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने चेक कर देना है यहाँ पे। और इसको आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे डेटम क्रिएट करना चाहें तो आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ना भी करें तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमारा जो जोन है वो 43 है, ओके, मैं इसको ओके करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो लिखा है डिफाइन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको आपने यहाँ से अनचेक कर देना है। और यहाँ पे ये जो एलिवेशन फील्ड है, यहाँ पे आपने इसमें एलिवेशन को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने इसको फिनिश करना है, क्लोज करना है, जेड इंटर ई इंटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिफ जो है वो हमारी क्रिएट हो गई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्यूअर, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टिफ है ये यहाँ पे बन के आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था कि आप टिफ डाटा से अपनी सरफस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।